मेरा नाम सलमान वड़ैच। अच्छा, आज एमटीवी का तीसरा दिन है फेस्टिवल का, तो आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। हर स्कूल को ऐसा करना चाहिए, एमटीवी भी कर रहा है और बहुत मजा आ रहा है। हमने ये देखा कि साकाबाद में पहली दफा ये एमटीवी ने ये किया है, तो आपको ये कैसा एक माहौल लगा है? मतलब बेहतरीन है ये? बहुत बेहतरीन है। तो मतलब ऐसे मौके आने चाहिए? आने चाहिए, जरूर आने चाहिए। तो आपने इधर से कुछ खरीदा भी है? इधर से झूले लिए हैं, खरीदते हैं, देखते हैं। झूले आपने कौन से लिए? झूले ये कश्ती झूला है, ये पहली बार एमटीवी में आया है और बहुत अच्छा रहा है। नाम मंजिला रियाज। अच्छा, आप बताएं आपको एमटीवी में कैसा लगा के इधर? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है प्रोग्राम है जी। आप इसमें ये देख सकते हैं कि साकाबाद में ये पहली दफा है, तो ये आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम आने चाहिए इधर? हाँ जी जी बिल्कुल, ये पहली दफा है, आइंदा भी होना चाहिए, बहुत मजा आता है। ये एहसन हमारे साथ मौजूद है। अच्छा एहसन, बताइए कि आपको इधर एमटीवी आके कैसा लगा? हाँ जी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो इधर पहली दफा फंक्शन हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो क्या नाम है, इधर खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, बाकी मज़ा भी बहुत आ रहा है। अहमद इकबाल। अच्छा ये अहमद इकबाल। अच्छा अहमद इकबाल, आपको कैसा लगा इधर? ये बहुत अच्छा लगा है। अच्छा ये आपने जो कल्चर डे के हिसाब से आपने ड्रेसिंग की है, ये कौन सी है? ये पंजाब की है। ये पंजाब की है, तो आपको एमपी में आके इधर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है इधर अपने दोस्तों के साथ। पहले भी ऐसे प्रोग्राम आपने साकाबाद में देखे हैं? नहीं, ये एमटीवी वालों ने किया है पहला प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। हमें बहुत अच्छा लगा है, हम लोग इसे स्टूडेंट हैं, हम लोग भी इसमें प्रिपरेशन में हिस्सा लिया हुआ है। तो इधर से आपने कोई शॉपिंग वगैरह भी की हुई? नहीं, शॉपिंग अभी तो नहीं की, करेंगे अभी। कुछ झूले वगैरह? झूले लिए हैं। ऐसे प्रोग्राम एमटीवी में आने चाहिए? जी बिल्कुल आने चाहिए जी, बिल्कुल। अच्छा ऑर्गेनाइज किया, मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छे काम किया। पहले इधर कश्ती भी झूले भी लिए हैं, स्टॉल वगैरह खाना भी खाया, बिल्कुल उन्होंने अच्छा काम किया जी। बहुत अच्छा लगा जी। देखिए हम तो, ये तो हमारा अपना इवेंट है, ये साकाबाद का पहली बार इस तरह का हमने इवेंट देखा है, जो कि 3 दिन पर मुश्तमिल था, जिसमें हमने 7 तारीख को एक फॉर्मल फंक्शन करवाया, जिसमें गेस्ट आए थे, जिसमें हमने स्पोर्ट्स की ओपनिंग सेरेमनी है, और इसके अलावा जो बच्चों ने एक मॉडल्स वगैरह बनाए हैं उसकी एग्जीबिशन है। तीसरा हमने फन फेयर करवाया, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हमने स्टॉल लगाए हैं, जिसमें वेडिंग स्टाइल का हमारे पास एक स्टॉल है, फिर एंटीक्स का एक स्टॉल है, यूनिफॉर्म का एक स्टॉल है, बच्चों के मॉडल्स वगैरह लगे हैं, और बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले लगाए गए हैं। बहुत ज़्यादा ये हर कल्चर के हिसाब से आपने इधर स्टॉल आपने लगाए? इसके अलावा कल्चरल भी हमने जो स्टॉल लगाया है, जो हल कल्चर के लिहाज से हमने 4 स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें इसके अलावा 3 दिन एक फंक्शन हुआ है, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, सॉन्ग्स वगैरह, मिली नगमे, स्पीचेस, बहुत ज़्यादा ये मतलब बच्चों ने इंजॉय किया। ये पहला, ये बताइए साकाबाद में जो एमटीवी में फर्स्ट हम ये क्या किया? जी जी, ये हमारा फर्स्ट इवेंट है जिसमें हमने इस तरीके से अपने अदारे में एक इवेंट करवाया है। इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह के इवेंट्स करवाएंगे और बच्चों को इसी तरीके से हम एक तफरीही मौका देंगे। सर देखें, ये हमारी एक बहुत अच्छी काविश है एमटीबी की तरफ से, और आप जैसे जानते हैं कि एमटीबी हर साल एक यूनिक चीज़ लेके आता है, तो उस हिसाब से हमने अपने शहर के लिए, हम अपने रीजन के लिए एक अच्छी चीज़ लेके आए हैं, तो इसमें हमने बहुत एफर्ट की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वालदैन को बहुत पसंद आएगी। बाकी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बच्चों का शोर कैसा है और वालदैन का झुरमट लगा हुआ है, बस ऐसी काविशें करते रहेंगे। और एमटीबी की तो क्या ही बात है सर। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मैं भी उस टीम का हिस्सा हूं जिन्होंने ये तमाम इंतजाम किए हैं, इन तमाम आइडियाज़ को हमने जो शेयर किया है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ख़ास तौर पर देखें जिस तरह से बच्चे दिलचस्पी से यहां पर इंजॉय कर रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। तो हमने इस बार कोशिश की है कि एक बहुत ही वर्सटाइल तरीके से इन चीज़ों को पेश किया जाए, और जितना बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह से बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं डिफरेंट स्टॉल्स में, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। तो अप्रिशिएट करता हूँ मैं तमाम उस टीम्स को जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और आप सब यहाँ पे आए उससे बहुत ज़्यादा जो है ना हमें अच्छा लगा। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कभी भी एमटीबी को नहीं छोड़ा, जो भी प्रोग्राम हो आप सबसे पहले पहुँचते हैं और उसकी कवरेज करते हैं। जी बिल्कुल, ये बच्चों की मेहनत है जो पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से जारी थी, थोड़ा थोड़ा हम करके इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, और लास्ट 1 वीक से हमने अंत तक मेहनत की है, और बच्चों की मेहनत है,
जो हमने ये इतना बड़ा फेस्टिवल जो है सजाया है। मेरे ख्याल में ये सादिकाबाद का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल होगा जो हमने चारों सूबों को दिखाया है कि किस तरह से होता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमने वो चीज़ वो सकाफत दिखाने की कोशिश की है जो हमारे बच्चों ने अपनी होश में नहीं देखी। बहुत पुरानी मतलब कि चीज़ें जैसे होती हैं सकाफत में पहले इस्तेमाल होती थी, अब नहीं इस्तेमाल होती, न्यू जनरेशन आ गई है। तो हमने कोशिश की है वो सारी पुरानी चीज़ें लेके आएँ ताकि हमारे बच्चे उन चीज़ों से आशना हो सकें जो हमारे बड़े इस्तेमाल करते रहे हैं, ठीक है। और हमारी रियल सकाफत है सिंध में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, सिंध में घर कैसा होता था, रहन सहन कैसा होता था, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करने का तरीका कैसा होता था, और पंजाब को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो हम दो कल्चर फेस्टिवल में दो चीज़ों को लेके जा रहे हैं, सिंध और पंजाब, और ये सारी बच्चों की मेहनत है। और सबसे ज़्यादा MTB का इसमें काम है कि MTB ने इतना बड़ा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ करवाया है। मैं MTB का शुक्रिया अदा करता हूँ सादिकाबाद की तरफ से कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और सक्सेसफुली इसको कर रहे हैं। फरहान अली अच्छा फरहान अली आप बताइए कि MTV आके आपको शो में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप बताइए कि इधर जो MTV ने ये जो फेस्टिवल किया है क्या ये फेस्टिवल हर रोज़ आना चाहिए या हर मंथ या हर साल बाद आना चाहिए? हर रोज़ तो नहीं, हर साल होना चाहिए वैसे, या फिर एक साल में दो दफ़ा होना चाहिए। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह शुरू से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इनके सारे इवेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम हर साल इधर हर इवेंट पे आते हैं। तो आप बताएंगे MTV में ये पहले भी ऐसे फेस्टिवल होते थे? जी माशाल्लाह हर बार इनके हर फेस्टिवल इनका तकरीबन ऐसा ही होता है, अच्छा होता है, और सारे फेस्टिवल ये करते हैं ऐसे। अच्छा, तो इधर आपने कुछ स्टॉल से कुछ शॉपिंग वगैरह की हो? जी कुछ चीज़ें भी लेनी है, देख रहे हैं अभी। झूले वगैरह? झूले सारे लिए हैं, इन्जॉय फुल हो रहे हैं, फुल इन्जॉय। बट जी सर हमेशा होना चाहिए, पिछले हर साल होना चाहिए ऐसे, क्योंकि इस साल में हमें अपने कल्चर्स के बारे में भी इसमें पता लग जाता है। बाकी यहाँ पे और भी ऑफिशियल यानी कि जैसे कि सर फन फेयर हो जाता है, बुक्स है, बुक शॉप वगैरह बनाई हुई है, एंजॉयमेंट के लिए झूले हैं, बाकी झूमर वगैरह हमने आकर खेले हैं यहाँ पर। मतलब इधर काफी स्टॉल लगे हुए हैं? जी काफी स्टॉल लगे हुए हैं। सर यार आज का फेस्टिवल लग रहा है, आज स्पेशल बॉयज के लिए फेस्टिवल है, इंजॉय कर रहे हैं सर? इसमें यहाँ के स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है हमारे इन्जॉयमेंट के लिए, उन्होंने एक काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने हमें इससे महसूस होने का मौका मिला है। ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि हमारी किताबों के किताबी कीड़े ना बने, ताकि हम दुनिया को भी समझें, इस तरह के कल्चर को प्रमोट करें अपने और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें। और इसमें सबसे बड़ा यहाँ का किरदार ना उस्तादजा का भी है, उस्तादजा ने अपने बच्चों को उनकी डिवेलपमेंट के लिए ये किया है। और इससे पेरेंट्स को भी एक चीज़ ये मिलती है कि सारा दिन वो थके हारे काम करते हैं, फिर उससे यहाँ आते हैं और इन्जॉय करते हैं, इससे हमें सीखना चाहिए और हमारी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। तो आपने यार कोई झूले वगैरह लिए हैं ईद जैसा समा MTV ने बनाया? वो झूला लिए है हमने, ऊपर जाते हैं ना मौत का समा पेश करता है। बहुत अच्छा निज़ाम किया है इन्होंने MTV वालों ने, ये हमारे शहर सादिकाबाद की एक पहचान है MTV का नाम। जी सर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, और हमारे यानी कि दोस्त भी अहबाब भी आए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें। इस तरह के फेस्टिवल यानी कि हर कॉलेज में होने चाहिए। शुक्रिया। आपने कोई झूला वगैरह लिया है किसी? जी हमने अभी कश्ती में बैठे थे, हमने एक बारी कश्ती ली है। डर बस लगता है लेकिन इन्जॉयमेंट में साथ साथ होती है, हम एक बारी कश्ती में बैठे हैं, अब दूसरी बारी जा रहे हैं हम लोग। जी दूसरी बारी जा रहे हैं। डर नहीं लगा हमें। बहुत अच्छा लगा ये देख के सब कुछ, बहुत इंजॉय किया इधर, पुराने दोस्तों से सरों से मिलके दिल खुश हो गया है, क्योंकि यहाँ से पास आउट होकर चले गए ना, पुराने टीचरों से मिलके बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, MTV ने बहुत अच्छा प्रोग्राम फंक्शन ज्वाइन किया है, मतलब फंक्शन क्रिएट किया हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, हर साल ऐसा फंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हमने ये MTV ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, हम इसके लिए हमारे प्रिंसिपल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, झूले भी हैं माशाल्लाह से, स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए, मतलब के इंजॉयमेंट होती है थोड़ा वो पढ़ाई के साथ साथ, ये छोटे मोटे प्रोग्राम भी होने चाहिए। अब जैसे कि आगे हमारे स्पोर्ट्स होने वाले हैं उसमें बहुत इंजॉय करेंगे, अभी भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और इस एनुअल फंक्शन जैसे होता है इस तरह करने चाहिए MTV का फंक्शन, और यानी कि काफ़ी ना इंजॉयमेंट हो रही है, बच्चे काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे, बाहर के पहले फर्स्ट टाइम तो था कि बच्चे स्कूल कॉलेज के थे, लेकिन अब जो बाहर के भी आए हुए हैं सारे दोस्त वगैरह इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी बहुत मज़ा आ रहा है, दिल का आनंद हो रहा है। हाँ जी यार MTV ने इस बार फिर जबरदस्त करवाया प्रोग्राम, बेहतरीन हो गया, बड़ा मज़ा आ रहा है, साथ दोस्त कजन वगैरह सब है साथ, इंजॉय जी बहुत किया। क्या किया आपने, झूले वगैरह? जी माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। नहीं यार
गिरे नहीं थे, ये सुबह आए नहीं थे ना, इस वजह से इनको पता नहीं है। नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा है, एमटीबी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम। गार्डन तो बहुत हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारा प्रोग्राम है एमटीबी वालों ने, हर साल ऐसा प्रोग्राम होता है, इस बार बहुत मजा आ रहा है। स्पोर्ट्स होंगे आगे, स्पोर्ट्स में भी इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। क्या क्या किया, क्या खाया आपने, क्या एंजॉय? अभी खाया तो कुछ नहीं है, कश्ती वाले झूले वगैरह लिए हैं, जंपिंग झूला लिया है, झूमर झूमर डाली है, बड़ा चश्चस किया, फुल माहौल बना हुआ था माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया एमटीबी वालों ने। कैसा? बहुत मजा आ रहा है सर, यहाँ पर जो है सीन जो है बिल्कुल क्रिएट हुआ पड़ा है जो है जी, यहाँ पर जो है सीन बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त, सही जा रहा है। आपको प्रोग्राम एमटीबी का लगा? आज बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, काफी जो है ना कल्चरल फेस्टिवल, कल्चर के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है इसमें। आपने क्या क्या किया? मैंने आज पंजाब, कल आया था पंजाबी में किया था, उसके बाद झूमर भी डाला हमने, बहुत मजा आया। इसका बात के हर स्कूल को करवाने चाहिए, ये शान है उनकी, एक काफी इंटरेस्टिंग होता है ये। स्टडी कर कर के बंदा ना बोर हो जाता है ना, स्टडी कर कर एक होता है एंजॉयमेंट होता है ये सारा कुछ। क्या मैसेज दोगे यार सबको इस प्रोग्राम से रिलेटेड या जितने भी लोग देख रहे हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि सब स्कूल वालों को करवाने चाहिए, ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, एंजॉय होता है बच्चे, ताकि स्टडी कर करके वो बोर हो गए हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। कैसा यार आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा एमटीबी का? यार बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पे हर चीज है अवेलेबल है, यहाँ पे डांस वगैरह भी हो रहे हैं, हर चीज में हिस्सा ले यहाँ पे। तो आपने कितना एंजॉय किया, आपने झूले वगैरह लिए, क्या क्या किया? यहाँ पे सब झूले हैं, यहाँ पे कश्ती वाला लिया जी लिया, बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे। डर नहीं लगा? आप डर लग रहा था, वैसे एंजॉय तो करना ही है ना भाई, एंजॉय किया हमने। फिर एमटीबी में आप पढ़ भी रहे हो, कैसा लग रहा है आपको एमटीबी? पढ़ाई भी ठीक है, फिर यहाँ पे एंजॉयमेंट भी है, यहाँ पे सब कुछ है यहाँ पे जी। क्या आप मैसेज दोगे, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए? होने चाहिए, हर कॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी होती है हर कॉलेज में, और ये एंजॉयमेंट भी होती है ना। वैसे अच्छा, अवैध बताया कि एमटीबी में आज प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा है, ये पहली बार एमटीबी ने किया है मैनेजमेंट, तो फिर एंजॉय बहुत ज़्यादा हो रहा है। टीचर्स मतलब एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बहुत ज़्यादा। आपने झूले वगैरह लिए हैं? हाँ जी लिए हैं। कोई शॉपिंग वगैरह आपने की? शॉपिंग नहीं की अभी तक, देख रहे हैं अभी तो आए हैं। अच्छा, अभी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जी। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा अब्दुल्ला, आप बताइएगा कि एमटीबी में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, बहुत मजा आता है। जो इधर कल्चर डे के हिसाब से आपने देखा होगा, हर कल्चर इधर लगा हुआ है, तो आपको उधर देख के आपको कैसा लगा? मुझे इधर देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी आया था पहले, मैं भी कल्चरल ड्रेस में आया था, लेकिन अब मैं वैसे ही आया हूँ अपने इजी ड्रेस में, मैं ऐसे इजी था, तो मुझे बहुत मजा आया था। एमटीबी में ऐसे हर साल बार प्रोग्राम होने चाहिए? जी जरूर होने चाहिए, इससे हमारा दिमाग खुलता है और मजा भी काफी आता है। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, आप बताइए कि आप एमटीबी में हैं, तो आप आके को आपको प्रोग्राम में कैसा लगा? अच्छा लगा है। क्या ऐसे फेस्टिवल आप इधर साकाबाद में होने चाहिए? यस। अच्छा एमटीबी में जो आपने देखा है हर कल्चर के हिसाब से सिंध बलोचिस्तान कल्चर डे लगा हुआ है, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। तो आपने झूले वगैरह लिए थे? यस। अच्छा कुछ शॉपिंग वगैरह की? यस। कुछ खाया भी आपने? यस जी बिल्कुल, मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय किया है। साकाबाद में जैसा ये फेस्टिवल है कभी नहीं देखा, बहुत अच्छा प्यारा निज़ाम है। ये तो होने चाहिए यार, इससे हमारे शहर भी जरा उसकी भी हो रही है, क्या कहते हैं यार, वो फेमस हो रहा है हमारा शहर भी। बढ़िया सलमान खान बने, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। आप फेस्टिवल कैसे देख रहे हो? मैं अन्ना हूँ माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। जी मेरा जो है नीला काम हुआ हुआ है, मेरा नजर कुछ नहीं आ रहा, मसला ये है। होने चाहिए, ऐसी होने चाहिए, अच्छी बात है, इससे लोग आपस में मिलजुल के बैठते हैं, सारे आपके कल्चर का आया है, अभी देखते हैं करते हैं, झूले वगैरह लेते हैं, फिर करते हैं जो है सही तरह। स्टॉल्स लगाए गए हैं शादी के बाद में, पहले भी मतलब इस तरह के प्रोग्राम की बहुत कमी है, जिसमे मतलब हमारे पुरानी सकाफतों का हमें पता चले, आवाम भूल जाती है शहरों में आके देहातों से। तो एमटीबी जो कि सादिकाबाद का सबसे एक बड़ा कॉलेज है, उसने हमेशा की तरह एक पहला कदम उठाया, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और इंशाल्लाह बाकी कॉलेजेस को भी ऐसा करना चाहिए और हर साल ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। बहुत अच्छा है स्कूल है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, आपने इधर शॉपिंग वगैरह की है? नहीं शॉपिंग नहीं, झूले झूले लिए हैं और खाना। आपको इधर कैसे लगा? मजेदार था। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एमटीबी के बारे में आप क्या कहेंगे?
एमटी भी बहुत अच्छा स्कूल है, मैं यहाँ पे पढ़ता भी हूँ। अच्छा बेटा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आशिर है। अच्छा मोहम्मद आशिर, आप देखें एमटीवी में कैसा आपको लगा, कैसा फीलिंग हो रहा है, कि आपको अच्छा लगा इधर आके? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा है, प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा एंजॉय किया आपने? जी अच्छा। अच्छा कुछ खाने खाया भी है? जी खाया। झूले वगैरह भी है? झूले वगैरह सारा कुछ लिया है। एमटीवी के बारे में आप क्या कहेंगे, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? ऐसे प्रोग्राम लाजमी होने चाहिए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? जी होने चाहिए। आपने कुछ शॉपिंग झूले वगैरह लिए? झूले वगैरह दिए जी। कुछ खाया भी आपने? जी। क्या खाया आपने? मैंने बर्गर खाया और समोसा खाया। वो कैसा लगा, अच्छा है? जी बिल्कुल। अजान नदीम। अच्छा अजान नदीम, आप तो मेरा नाम ले हो। अच्छा आपको बताओ एमटी में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगा, आपने इधर से कुछ शॉपिंग वगैरह की हो? नहीं, अभी तक खाना वगैरह खाया है। तो आपने ये कौन सा कल्चर किया हुआ, ये कौन सा आपने लिबास पहना? अपना ही पहना हुआ।